शुरू करते हैं। मेंसुरेशन, 2D ट्रायंगल चल रहा था, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक करा दिए थे बताइए, 7 नंबर तक। चलो चलिए दोस्तों 8 नंबर से देखते हैं। इसके पहले हमने 7 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था, ट्रायंगल का चैप्टर चल रहा था, उस पे हम एरिया और पेरीमीटर पढ़ा रहे थे। चलो 8 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए एक भुजा दिया हुआ है, शेष दो भुजाओं का अंतर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पूछा गया है, परिमाप दिया ही है 32 सेंटीमीटर। चलिए सभी रो लगाइए इसका आंसर और जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा ही होगा। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 5√35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरा है 6√30, और चौथा है 8√2। चलिए जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाइए और फास्ट आंसर दीजिए इसका। चलो लगाइए और आंसर हम भी लगा रहे हैं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी तब निकालते हैं जब हमें भुजाएं दी होती है ना, ये तो भुजा दिया हो या तो ऊंचाई दिया हो, एक भुजा आधार और ऊंचाई तो भी निकल आता है। तो सबसे पहले देखो परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, परिमाप यानी पेरीमीटर। कह रहा है एक भुजा, अब देखो एक भुजा दिया हुआ है, मान लो ये ट्रायंगल इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है ना, ये ट्रायंगल हमने बना लिया, इसमें 3 भुजाएं होती हैं सभी को पता है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 ही भुजा होती है ना, हाँ सही है 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों भुजाओं का योगफल ही तो हमारा परिमाप होता है। इसका मतलब है ये जो हमारा दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 32 है, इसको हम लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योगफल ही तो 32 दिया हुआ है। और कह रहा है एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं कोई भी एक भुजा मान लो, हमने मान लिया चलो ए है पहली भुजा, इसी को मान लो, अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो ना तो हमें बी पता है और ना ही हमें सी पता है, ठीक है ना, ना तो बी पता है ना सी पता है, लेकिन लास्ट में बोला है कि तथा शेष दोनों भुजाओं का अंतर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर बी और सी तो हमें नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन हमें ये पता है कि ए हमारा कितना है 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज और बोला है, देखो यहाँ पर जब एक भुजा 11 है इसका मतलब है यहाँ पर अगर 11 रख दोगे तो बी प्लस सी हमारा कितना आएगा, बी प्लस सी यानी दोनों भुजाओं का योगफल कितना आएगा 11, इसी में से माइनस कर देंगे, जब 11 माइनस करोगे तो 21 आएगा, कितना आएगा 21 आ जाएगा, यानी ये हमको पता चल गया कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का जो योगफल होगा 21 है, कितना है 21 है। और आगे ये भी दिया हुआ है दोनों भुजाओं का अंतर 5 होना चाहिए, यानी ऐसी दो भुजाएं हमें लेना है जोड़ने पर 21 आए, लेकिन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, देखो 5 का अंतर बोला है ना, तो सबसे पहले 21 में से 5 घटा दो, जब 21 में 5 घटाओगे तो कितना आएगा 16 आएगा, अब 16 के 2 भाग कर लो, यानी ये 8 हो गया ये भी 8 हो गया, दोनों को समान रेशियो में बांट लो आधा आधा, अब 5 का अंतर होना चाहिए, किसी में भी जोड़ लो 5, तो ये हम कह सकते हैं जो भुजा हमारी आ गई एक 8 आ गई, दूसरी कौन सी हो गई 8, और 5 कितना होता है 13 होता है, यानी हम ये कह सकते हैं त्रिभुज की बी भुजा मान लेते हैं ये 8 है और सी वाली कितनी है 13 है, पहली भुजा में दिया ही था 11 8 13, ठीक है ना। अब हमको पता चल गया तीनों भुजाएं हमारे पास कितनी है 11 है 8 है और 13 है, तीनों भुजाएं हमको पता चल गई। अब सीधे देखो भुजाएं तो अलग अलग हैं, कोई समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज भी नहीं बना रहा है कि हम कह देते कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, अब इसको उसी से लगाना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है ना, इतना सब समझ ही गए होंगे, अब इसको हीरोन्स फार्मूला से लगा लेते कोई दिक्कत थोड़ो है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है ना, इस तरीके से एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस, इसी से लगाना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका भी नहीं है कि लगाया जा सके, ठीक है ना। तीनों भुजाएं हमारी कैसी हैं, अलग अलग हैं, एक ये मान लो, ठीक है ना, ये मान लो 11 है, इसको मान लो 8 है और ये मान लो 13 है, ठीक है ना। अब देखो अब सबको जोड़ोगे ना तो 32 ही आएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर 32 आएगा, तो s बराबर क्या होता है फार्मूला, s बराबर तो आप लोगों को पता ही होगा, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, यानी 32 का आधा कितना होगा 16, हमें s की वैल्यू पता है 16 है, तो यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है ना, 8 13 भुजा तो पता चली गया है, यहाँ पर 16 आएगा, 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर 16 में से 13 घटाएंगे 3 आएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा 8 ही आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं,
ये देखो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है ना, ये 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, 5 गुणे 3 ऐसे ही रहेगा, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा ये बनाएगा एक ये बनाएगा, यानी 4 दूनी 8, 8 आएगा अंदर। देखिए जो जिसका जोड़ा बन जाता है वो संख्या बाहर आ जाती है। इसके बाद 5 त्रिका 15 दूनी 30, 8√30 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है। चलिए काफी लोगों का आंसर आ भी गया था, 8√30 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको लगाना था, समझ गए होंगे। पहली भुजा में दिया था, दोनों भुजाओं के योगफल हमें पता था, ठीक है ना। तो अब 5 इसमें पहले घटा देंगे, आधा कर लेंगे, जितना आएगा 5 जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे बी प्लस सी तो तुम्हें पता ही था कि बी प्लस सी कितना है, 21 है, ये तो पता ही था। अगर जिनको समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लीजिएगा, दोनों भुजाओं का अंतर 5 दिया हुआ था, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। 2b बराबर कितना आएगा, 21, 5 कितना होता है 26, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 13, लो ऐसे कर लेना। अब देखो एक 13 है एक 11 है, दोनों को जोड़ के 32 में घटा लीजिएगा, c निकल आएगा। तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर है, चलो ठीक है, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हो, परिमाप दिया हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमने फार्मूला बताया था, 1/2 r × p होता है, ठीक है ना। r क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है, p होता है पेरीमीटर, ठीक है ना। ये डायरेक्ट हमने फार्मूला बताया था, सीधे लगा लीजिए। तो यहां पर देखो परिमाप दिया हुआ है, सीधे लगाओ डायरेक्ट 1/2, अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, बस सॉल्व कर लो। ये काट लोगे 14 आएगा, 14 × 5 = 70 होता है, 14 × 3 = 42, 42 और 7 कितना होगा 49, यानी 49, देखो 49 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गया ना सभी को, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है ना। अंतर्वृत्त की त्रिज्या गुणे परिमाप, ये फार्मूला होता है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये फार्मूला कैसे आया है, ये फार्मूला कैसे आया है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, उसी प्रकार ये आया है। चलो देख लो भैया कैसे आया है, पूछ रहे हैं, देख लो कैसे आया है। देखो सबसे पहले देखो त्रिभुज इस तरीके से बना लोगे, है ना, ये त्रिभुज मान लो है, ये हमने क्या बना लिया त्रिभुज। अंतर्वृत्त तो पता ही होगा ना सभी लोगों का, ऐसे बनता है अंतर्वृत्त, यानी केंद्र यहाँ कहीं रहा होगा, इसकी भुजाओं को टच करता हुआ बनता है ऐसे, इतना तो जानते ही होंगे, है ना, जानते हैं ना। हाँ चलो जानते हैं। अब देखो ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, मान लो ये आर है, ये भी आर होगा, है ना, ये आर है, ये यहाँ कहीं केंद्र रहा होगा, मान लो यहाँ मान लेते हैं, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर रही होगी, ठीक है ना। देखो दोस्तों अब यहाँ पर देखो ये वृत्त बन गया है, अब वृत्त के बाद ये रेखा इस तरीके से खींची है ना, ये स्पर्श रेखा होती है, जब भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होता है, सभी को पता होगा, ठीक है ना। वृत्त वाला जब पढ़ाएंगे ना तब उसमें अच्छे से बताएंगे, ये 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे ही दोस्तों यहां से खींच दोगे ना तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ऐसे यहां से भी 90 डिग्री बनाएगा। समझ लो फार्मूला कैसे आया, किसी ने पूछा है ना कि फार्मूला कैसे आया, इसलिए बता रहे हैं। देखो अब इसके बाद यही हमारा हाइट का काम कर देगा। देखो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखो इसको थोड़ा ऐसे मिला लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से इसको ऐसे मिला लेंगे और इधर भी ऐसे मिला लेंगे। अब देखो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको जिसे निकालना है, तो देख रहे होंगे एक पार्ट तो हमारा ये वाला त्रिभुज बना रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये देखो ऐसे देखो, ये त्रिभुज यहाँ पे जो हमने डैश डैश किया ये वाला थोड़ा सा वो गाढ़ा कर दे रहे हैं, ये देखो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, इसका निकाल लें, ठीक है ना, इसकी भुजाएं हम मान लेते हैं, इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तो एक बार हम क्या करेंगे इस त्रिभुज का मान लो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, निकाल आएगा क्योंकि आधार तो है ही, और ये ऊंचाई हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसी प्रकार जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए आधार बी होगा, और यहाँ इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की, और ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी, यानी ये भी तो रेडियस है। उसी प्रकार जब इस त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो रेडियस हमारा ये होगा और हमारा आधार ये होगा। इस तरीके से आप देखेंगे ना, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, यानी तीनों त्रिभुज को अगर सम्मिलित कर दोगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो होगा,
ठीक है ना, इतना भाग मिलाओगे तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो इसी प्रकार जब इसका निकालोगे पहले वाले त्रिभुज का छोटे वाले का, तो इसका आएगा 1/2। आधार कितना है, आधार तो मान लो सी है और ऊंचाई आर ही रहेगा। ऐसे दूसरे वाले के निकालोगे तो 1/2 बी इंटू आर, ऐसे तीसरे वाले के निकालोगे तो 1/2, और यहाँ पर कितना आएगा ए इंटू आर। अब देखो अब क्या करोगे, 1/2 आर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आप देख रहे हैं ना यही ए बी प्लस सी क्या होता है, यही तो हमारा पेरीमीटर होता है, भुजाओं का योगफल। तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आया, 1/2 आर इंटू पी। यही तो हम बताए थे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अगर अंतर्वृत्त की त्रिज्या दिया हो, परिमाप दिया हो, तो डायरेक्ट याद रखिए कि 1/2 अंतर्वृत्त की त्रिज्या गुणे पेरीमीटर होता है। अब इतना सब डिटेल में थोड़ा लगाएंगे परीक्षा में, ऐसे लगाएंगे तो फिर आपका एग्जाम में नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। चलो किसी ने पूछा था तो बता दिया किस तरीके से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर पहला ही ऑप्शन था। अगला प्रश्न देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताइए। अब देखिए दोस्तों इसके पहले हमने एक सवाल कराया था, त्रिभुज अगर बना हो इस तरीके से, त्रिभुज बना हो मान लो ये त्रिभुज बना हो, ठीक है ना, और इनके मध्य बिंदु को जोड़कर, अगर मध्य बिंदु को जोड़कर अगर हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना, अगर मध्य बिंदु को जोड़कर अगर हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना, ये त्रिभुज हमने बनाया ये वाला, ठीक है ना। इसी प्रकार चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराना नहीं है, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, याद रखिएगा, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी सवाल कहे कि एक त्रिभुज है उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है ना, फिर कहेगा उसी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल चौथाई होता है, यानी जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका चौथाई भाग होगा। वैसे भी आप देख रहे हैं एक त्रिभुज एक ये चार भागों में बंट जाता है, इसीलिए छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा बड़े त्रिभुज का एक चौथाई होगा। इसी प्रकार एक भाग ये दो तीन चार, चार भागों में बढ़ जाता है, इसीलिए 1/4 हम कर देंगे, सीधे आंसर निकल आएगा। अब देखो दोस्तों 5, 12, 13 का सभी सभी को पता है कि मान लो ये अगर 5 है, ये 12 है, ये 13 है, समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट होती है। अब इसी का पहले क्षेत्रफल निकाल लो पूरे वाले त्रिभुज का, तो 5 × 12 यानी आधार गुणे ऊंचाई होता है, कर देंगे। तो अब यहां पर देखो आंसर कितना आ गया, 2 × 6 = 12, 6 × 5 = 30 आ गया, ठीक है ना, सही है ना, 30 आ गया। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि इसका पूछा गया है जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बना है, तो इसका होता है चौथाई, यानी 4 से भाग कर देंगे आंसर निकल आएगा, 4 से भाग देंगे 7.5। देखो ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका तीसरा यानी सी नंबर हो जाएगा। तो जब भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाएगा तो बड़े त्रिभुज का चौथाई कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है ना। 4 से भाग जरूर याद रखिएगा तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। देखो 30 आंसर दिया था ना, तो जल्दबाजी में ऐसे मत करिएगा कि 5 × 12 करके सीधे 30, 4 से भाग भी देना है, ठीक है ना, चौथाई भाग होता है। वैसे भी नहीं दिख रहा है चौथाई भाग है, टोटल कितने 4 भाग है, 4 मान लो किसी के पास 4 रुपया है तो इसको कितना रुपया मिलेगा, एक ही रुपया तो मिलेगा, एक इसको एक इसको एक इसको एक इसको, तो 4 का 1 रुपया कौन सा भाग है, चौथाई भाग तो है ना। चलो समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है, इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखो 16, 12, 20 तो हमारा एक ये ट्रिपलेट है यानी समकोण त्रिभुज बनेगा, ये तो श्योर हो गया है। ये 20 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। अब बात आती है 16, 12 किसको माने, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 16, 12 दोनों में से किसी को भी मान सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण फिक्स होती है, ये दोनों भुजाएं आपस में चेंज होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये हमारा फिक्स होता है। अब देखो यहां पर क्या पूछा गया था, पूछा गया है सबसे लंबे भुज की लंबाई पूछा गया है। अगर थ्योरी वाला जिन्होंने वीडियो देखा होगा
तो हमने कहा था जब कर्ण पे लंब डाला जाता है यहां से, ये 90 डिग्री तो वैसे होता ही है, और लंब डालने पर ये भी 90 डिग्री हो जाता है, तो इसी की लंबाई पूछ रहे हैं। जब इसकी लंबाई पूछते हैं, मान ले ट्रायंगल हमारा एबीसी है, ये हमने बीएम यानी ये लंब यानी बीएम की पूछ रहे हैं, बीएम की लंबाई पूछ रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न में बोला है ना सबसे लंबे भुज की लंबाई बताइए, इसका मतलब वो बीएम की लंबाई पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, बीएम की पूछ रहे हैं। तो बीएम का निकालने के लिए हमने क्या बताया था, बताओ क्या बताया था। जब बीएम निकालना होता है तो हमने इसके पहले थ्योरी वाले पार्ट में क्या बताया था, बताओ। अच्छा क्या बताया था, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का मल्टीप्लाई कर दें और ए सी से भाग कर दें। अच्छा चलो सही बताएं, बिल्कुल सही बताएं, ये कह रहे हैं ए बी और बी सी, यानी ए बी कितना है 16 है, बी सी कितना है 12, इन दोनों कह रहे हैं मल्टीप्लाई कर दो और जितना आए ये ए सी जो कर्ण है ना इससे भाग कर दो, यही है ना, यही बतायो। चलो बिल्कुल सही बतायो, जब भी हमने बताया था यह शीर्ष लंब निकालना होता है, अभिलंब की लंबाई का है या शीर्ष लंब का है, तो आधार लंब का गुणनफल बटे कर्ण होता है, बिल्कुल सही बताया है, इसका मतलब तैयारी कर रहे हो ठीक ठाक, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखो, 4 3 12, 4 5 20, 16 3 48, 48 में भाग दो कितना आएगा, 5 9 45 और 5 6 31, 9.6। देखो ऑप्शन दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 9.6 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि उसके दो आयाम और परिधि क्रमशः 9 11 और 34 सेंटीमीटर है। अब देखो आयाम हमने क्या बताया था, आयाम बताया था ना, आयाम क्या होता है बताओ, तुम ही बताओ, पीछे राम प्रताप खड़े हो ना, बताओ आयाम क्या होता है, आयाम बताए थे इसके पहले, आयाम क्या होता है। त्रिभुज की भुजाएं, अच्छा त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उन्हीं को हम आयाम कहते हैं, चलो सही बताए हो। परिधि क्या होता है, परिधि, परिधि क्या होता है बताओ, घबराओ ना, बताओ आराम से, क्या दिक्कत है, परिमाप होता है। अच्छा त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, चलो सही बताएं। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, आयाम यानी हम कह सकते हैं एक त्रिभुज इस तरीके से मान लो बना होगा, जो भी त्रिभुज बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, एबीसी तीन भुजाएं तो होंगी, यानी कह रहा था उसके दो आयाम है, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है ना, क्रमशः दिया हुआ, यानी ए मान लेते 9 है अब बी कितना है 11 है, यही तो हुआ ना, दो भुजाएं यानी दो भुजाएं कहिए, दो आयाम कहिए। परिधि का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल ही तो होता है, भुजाओं का योगफल परिधि या परिमाप होता है, वो हमारा 34 दिया हुआ है, ऐसा करते 9 11 कितना होता है, 9 11 तो 20 होता है, जब यहाँ 20 रखोगे और यहाँ पे इधर जाएगा तो घटेगा, तो 34 में जैसे 20 घटाओगे तो सी की वैल्यू फटाक से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, ए बी सी तो पता ही है, अब बोला क्या गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो बताइए कौन नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। अब इसको हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग है ना, समकोण त्रिभुज तो बना नहीं रहा है, एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई कर दें, तो इसको लगा लीजिएगा इसी फार्मूले से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है ना। तो पहले एस निकालोगे, एस क्या होता है, एस इसी का आधा होगा, तीनों भुजाओं का योगफल तो दिया ही था ना, तो एस हमारा कितना आ गया, 17 आ गया, इसी में रख लेंगे, यानी हमारा आएगा 17 गुणे, और 17 में से ये देखो ये भुजा मान लो 9 है और ये कितनी थी 11 है, ये 9 है ये 11 आई है, और ये कितना आया 14, देखो 14 और यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 17 में से 11 घटाएंगे तो 6 आएगा, 17 में 14 घटाएंगे 3 आएगा, अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लीजिए, लाओ सॉल्व कर देते हैं, नहीं घर में पता नहीं कह देंगे, घर में करके दिखाइएगा तो करोगे नहीं कोई, ठीक है ना, चलो हम ही कर देते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 3 बार, अभी कह देंगे इसको कमेंट में आंसर बताइएगा, घर पे लगा के तो कोई नहीं लगाएगा, छोड़ देगा ना आंसर कोई बताएगा, चलो हम ही लगा दे रहे हैं, ये 3 आएगा 2 आएगा 2, ये तो 12 हो गया, यानी 3 2 6 2 12, यानी 12 अंडर रूट 17 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन कहीं दिया है क्या, 12 अंडर रूट 17 बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है ना, देखो ध्यान से देखो, सी नंबर है, तो बस यही आंसर हो गया। तो दोस्तों 12 नंबर तक हो गए, इसके बाद जो हमने पीडीएफ डाला था ठीक है ना, इसमें पड़ी भी है पहले वाले पार्ट नंबर 3 वाले वीडियो पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, घर पे सारे सवाल लगाते रहिए आराम से, धीरे धीरे हम पूरे स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, इसके बाद जो सवाल नंबर 13 से है ना वो अगले पार्ट में कराएंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।